Puspa. पुष्पराज, यह वत्ते के दिल है। पूरी दुनिया बहुत जल्द भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। क्या पूरी दुनिया? सूर्यवंशी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2021 की मच अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के फर्स्ट डे ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, अल्लू अर्जुन के पुष्पा द राइस के अब तक के टोटल एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के सूर्यवंशी, सलमान खान के अंतिम और आयुष्मान खुराना के चंडीगढ़ करे आशिकी के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ करे आशिकी के बारे में। तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज एक हफ्ता यानी कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 3,75,00,000 रुपए, दूसरे दिन 4,87,00,000 रुपए, तीसरे दिन 5,91,00,000, चौथे दिन 2,15,00,000, पांचवें दिन 2,18,00,000, छठे दिन 2,05,00,000, वही सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन आ रहा है लगभग 1,00,00,000 रुपए। इसी के साथ आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ करे आशिकी का अब तक का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 22,00,00,000 रुपए, वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 27,00,00,000 के रेंज में हो चुका है। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म का बजट है 50,00,00,000 रुपए और फिल्म के फर्स्ट वीक के कलेक्शन देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। यही दोस्तों बात करें सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में, तो इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए अब 4 हफ्ते कंप्लीट होने में आ चुके हैं और इस फिल्म ने भी शुरुआती 4 हफ्तों में ठीक ठाक कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ जिस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके जीजा श्री आयुष शर्मा देखने को मिले थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर ने, इस फिल्म ने अभी तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है 40,50,00,000 रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन लगभग 50,00,00,000 का हो चुका है और इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से टोटल कमाई की है 14,00,00,000 की। इसी के साथ दोस्तों, अंतिम द फाइनल ट्रूथ का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 64,00,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों, अंतिम द फाइनल ट्रूथ भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें बॉलीवुड के सबसे बड़े मेगा स्टार सुपर स्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, तो दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए अब 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी यह फिल्म गिने चुने सिनेमाघरों में चलती जा रही है और फिल्म के कलेक्शन डेली बढ़िया आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सूर्यवंशी जिस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ थी, साथ ही साथ इस फिल्म में सिंघम अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह का भी एक दमदार कैमियो था। दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है 196,00,000 रुपए का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हुआ है 238,00,00,000 रुपए और फिल्म का जो ओवरसीज कलेक्शन है यानी कि विदेश की कमाई वो हो चुकी है 64,00,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों, मेगा स्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का अब तक का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 302,00,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 300,00,00,000 से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें 2021 की सबसे बड़ी ओपनर स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के मॉर्निंग वाले शोज हो, आफ्टरनून के शोज हो, इवनिंग के शोज हो या नाइट के शोज हो, सभी दूर ये फिल्म काफी बेहतरीन ऑक्यूपेंसी पे चल रही है और फिल्म पहले दिन 2021 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली इंडियन फिल्म बनने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्पाइडरमैन नो वे होम जिस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और इंग्लिश टोटल 6 भाषाओं में हिंदुस्तान में रिलीज किया है और इस फिल्म को इंडिया में टोटल स्क्रीन मिली है 3264। अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन नो वे होम की जो एडवांस बुकिंग है वो ही 22,50,00,000 रुपए की थी और इस फिल्म को रिलीज होते ही पहले दिन तेलुगु वर्जन में ऑक्यूपेंसी मिली है 71% की, इंग्लिश वर्जन में 65%, हिंदी वर्जन में 53%, तमिल वर्जन में 34%। तो दोस्तों यहां पे जिस तरह स्पाइडरमैन नो वे होम को पहले दिन ऑक्यूपेंसी मिली है और जितनी फिल्म की एडवांस बुकिंग थी उस हिसाब से देखे जाए तो यह फिल्म पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 32 से 35 करोड़ के रेंज में। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म पहले दिन
डेट कलेक्शन इंडिया में 32 से 35 करोड़ का कर रही है, वहीं इंडिया का ग्रोस कलेक्शन लगभग 40 करोड़ के रेंज में जा रहा है। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि 2021 की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शायद स्पाइडरमैन नो वे होम बन सकती है। तो अब अगर बात की जाए हम सबके फेवरेट स्टाइलिश स्टार या यूं कहे आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म भी किसी से पीछे नहीं है और ये फिल्म भी 2021 की एक बिगेस्ट ओपनर बनने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइस जो फिल्म कल यानी कि 17 दिसंबर को हिंदुस्तान में रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म को भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा टोटल 5 भाषाओं में पूरे इंडिया में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो आज से 4 दिन पहले चालू हुई थी और फिल्म ने एडवांस बुकिंग में पूरी तरह से धमाका कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइस को एडवांस बुकिंग में इतनी दमदार कमाई मिल चुकी है जितना कलेक्शन तो इस साल रिलीज हुई सलमान खान की अंतिम द फाइनल ट्रूथ 3 दिनों में भी नहीं कमा पाई थी जितना एडवांस बुकिंग कलेक्शन पुष्पा द राइस का सिर्फ 1 दिन का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए कि अभी तक पुष्पा द राइस ने सभी भाषाओं में कितने कितने एडवांस बुकिंग की, तो दोस्तों पुष्पा द राइस की जो तेलुगु वर्जन की एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है 10,60,00,000 रुपए की, वही तमिल वर्जन में 41,00,000 रुपए की, मलयालम वर्जन में 48,00,000 रुपए की, तो हिंदी में 19,00,000 रुपए, वही कन्नड़ा में 7,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों पुष्पा द राइस की जो ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग होती है वो हो चुकी है लगभग 11,75,00,000 रुपए की। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पुष्पा द राइस की जो एडवांस बुकिंग है वो इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी काफी भयंकर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुष्पा द राइस ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल एडवांस बुकिंग की है 6,81,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों पुष्पा द राइस का जो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग कलेक्शन होता है वो हो चुका है 18,56,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 18,56,00,000 रुपए की कमाई कर ली। लेकिन जब ये फिल्म कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो पहले दिन कम से कम वर्ल्ड वाइड मार्केट में 60 से 70 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। वैसे दोस्तों पुष्पा द राइस कल आप हिंदी वर्जन में देखने जा रहे हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और पुष्पा फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।